नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो मैसेज दिया गया था कल्याण सुधार को, उसको फॉलो किया जाए, उनकी बताई हुई राह पर चला जाए। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की सेहत को भी लेकर उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी होने बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो किडनी डोनेट किया है, जो दान दिया है, उससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता है। वो कामना करते हैं कि वो और लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य जल्द से जल्द अपने शहर वापस लौट आए, क्योंकि देश को उनकी ज़रूरत है। राजनीति संभालने, राजनीति का भागदौड़ अपने हाथों में ले। और क्या कुछ कह रहे संतोष कुमार सुमन, पहले आप वो सुने। ऑपरेशन सफल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सब लोग दुआ कर रहे थे, हम ही लोग नहीं, पूरे भारत वर्ष के लोग और पूरे उनके चाहने वाले भी और ना भी, जो राजनीतिक रूप से जो अलग भी हैं वो भी चाह रहे थे। और भगवान का कृपा है कि दोनों शुरुआती हैं और उनका ऑपरेशन सफल हुआ, जल्दी से ठीक होके आए। बिहार में उनकी ज़रूरत है और लंबे समय तक बिहार को सेवा दे सकें, गरीबों के आवाज़ जो उन्होंने अपने समय में आवाज़ दी थी, गरीबों को आवाज़ और बुलंद हो, यही हम लोग कामना करते हैं। एक महिला को उनके बेटी ने बहुत बड़ा कार्य किया है जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया में उनकी बाई, ये क्या मैसेज जाता महिलाओं के लिए, एक अपने बाप के लिए कितने? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि आज के समय में जो मानवीय मूल्यों की कमी हुई है, उसमें एक बेटी ने जीत करके अपने पिता को अंग दान दिया है, और इस धरती पर इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। निश्चित तौर पर वो ऐसा कार्य किए है जो आने वाला समय के लिए अनुकरणीय होगा और सभी को प्रेरित करेगा कि हर चीज़ होने के बाद भी, हर सुख सुविधा होने के बाद, वो चाहते तो किसी और से भी ले सकते थे, विदेशों में ऐसी सुविधा है, लेकिन एक बेटी ने अपने बाप के प्रति जो कर्तव्य निभाया है, ये निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। हम लोग उसकी पूरी प्रशंसा करते हैं और कितनी भी कम प्रशंसा की जाए, वो जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए वो कम है। और हम लोग ये आशा रखते हैं, दुआ करते हैं, भगवान से कामना करते हैं वो भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए, समाज में जो उनका योगदान है वो समाज में अपना उत्कृष्ट योगदान दे और दोनों स्वस्थ होकर जल्द लौटे, ही मेरी कामना है। आज 6 दिसंबर है और हम लोग के आधुनिक भारत के निर्माता, शिल्पकार और संविधान के रचयिता का महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं 66 में। इस अवसर पर हमारी पार्टी के तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। हम लोग सभी लोग, पार्टी के सभी विधायक, माननीय विधायक हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज के दिन में हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं, खास करके उन युवाओं को जो इनको मानते हैं और इनके पद चिन्हों पर चलते हैं, कि सिर्फ इस तरह से कार्य करने से काम नहीं चलेगा। जो इन्होंने मैसेज दिया था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ों को सहारा देने के लिए, सबको मिल करके एक साथ होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम जिस तरह से विभक्त हैं, अलग अलग सेक्ट में, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, सबको एक आने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय में भी यही मैसेज दिया था कि कोई कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, जहाँ जात पात नहीं होना चाहिए, सब गरीब एक हो जाए और एक होकर के आगे बढ़े, तभी जा कर के राज्य का भला होगा और उनका भला होगा। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी गरीबों के लिए बात करती है, किसी कास्ट की बात हम नहीं करते हैं और किसी संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि सब गरीब एक हो जाइए, और जब सब गरीब एक हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर आपकी क्षमता इतनी है, आपकी संख्या इतनी है कि आप खुद निर्माता, भाग निर्माता अपना खुद हो जाएंगे, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और संविधान ने जो हमको दिया है और हमारे उस संविधान के अनुरूप हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा विकास होगा और राष्ट्र का भी विकास होगा। तो आज यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम सबको एक होकर के बाबा साहब के चिन्हों पर चलना चाहिए। तो आपने सुना कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन क्या कुछ कह रहे थे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।